नमस्कार, आज हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी कक्षा है जिसमें हम नैतिकता और आचार में अंतर समझेंगे। तो मोरालिटी और एथिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें क्या अंतर है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर किताबें जो आप देखेंगे उसमें इन दोनों के बीच में बहुत गहरा कन्फ्यूजन दिखाया गया है, तो हमने कोशिश की है कि उस कन्फ्यूजन को कम किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दोनों ही शब्द एक ग्रीक लेटर से निकले हैं। जो मोरालिटी ग्रीक लेटर से निकला है उसका ग्रीक वर्ड है मोस, जिसका मतलब होता है कस्टम या रिवाज। जो एथिक्स ग्रीक लेटर से निकला है उस शब्द का नाम है एथोस, और एथोस का मतलब होता है कैरेक्टर या आचार। तो यहाँ पर दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक आपको आपके रिवाजों के बारे में बताता है, आपके कस्टम्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में, समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ग्रुप की बात कही गई है, समाज की बात कही गई है, किसी धर्म की बात कही गई है, किसी संस्कृति की बात कही गई है। जबकि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर या आचार की बात कही गई है, जो आपके इंडिविजुअल है, आपका अपना है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। तो मेरा जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो मेरे दोस्त से या मेरे रिश्तेदारों से अलग हो सकता है, पर जब मोरालिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, तो हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक तरह के मॉरल सिद्धांत हो गए, मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए, जो हमें समाज के द्वारा दिए गए हैं और हमें ये बताया गया है कि ये सही है और ये गलत है। तो उन चीज़ों को आप कुछ कर नहीं सकते, या तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो आप उसी दायरे में रह सकते हो, या आप उस दायरे को तोड़ के बाहर जा सकते हो और उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये तो खास अंतर हो गया मोरालिटी और एथिक्स में। मोरालिटी की जैसे कि हमने बात कही कि ये किसी समाज से, किसी संस्कृति से, किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, और एक से ज़्यादा लोग जब उस चीज़ के बारे में समझते हैं और जानते हैं, मानते हैं, तो हम उसको मोरालिटी कहते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि पुलिस ऑफिसर का काम क्या है। पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि कहीं पर भी कोई क्राइम हो रहा है, कोई अवैध घटना हो रही है, तो उसको रोकना। पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ही ऐसी कोई अवैध घटना करे या कोई क्राइम करे, तो वो क्या हो गया, वो एक इमोरल बिहेवियर हो गया, क्योंकि उस ग्रुप में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये ही रूल है और वो ऐसा ही करते हैं, पर अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर उससे डेविएट होता है तो वो बिहेवियर इमोरल बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर हमने समझा मोरालिटी क्या है। अब अगली चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि मोरालिटी दो प्रकार की होती है, एक तो मोरल एब्सोल्यूटिज्म और एक मॉरल रिलेटिविज्म। जब हम एब्सोल्यूट कैरेक्टर की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये सबके लिए लागू होता है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब पे लागू होते हैं, सबके लिए समान है। जबकि हम मॉरल रिलेटिविज्म की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये इससे बेहतर है इन इन विषयों पे और ये इससे ख़राब है इन इन विषयों पे। मतलब हम किन्हीं दो पैरामीटर्स को, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में उनका तुलनात्मक वर्णन करते हैं या उनको कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मॉरल बिहेवियर के कैरेक्टर्स समझना चाहें तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उसका कंटेंट क्या है या उसका फॉर्म क्या है। जब हम उसकी फॉर्म की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं या तो वो आइडियल है या एक लॉ निर्धारित है, एक कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से सबको चलना है। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो दो तरीके के कंटेंट हो सकते हैं। एक तो हम बहुत ऊँचे गोल्स स्थापित कर दें कि इतना ज्ञान प्राप्ति होना ही चाहिए, इतना कल्चर होना ही चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने ही करने हैं। दूसरा कि हम दूसरों के प्रति अपना रिगार्ड शो करें, जैसे सिंपैथी है, जस्टिस है, सबको समान अधिकार मिलना है। तो वो सब क्या हो गया, वो दूसरों के लिए रिगार्ड हो गया। अब हम आते हैं एथिक्स पे। एथिक्स हम अगर समझें तो फिलॉसफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फिलॉसफी को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं या चार अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा है लॉजिक और चौथा है एथिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं ये चारों चीज़ें क्या हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ के कार्य करने का पहला प्रिंसिपल क्या है या उसका पहला सिद्धांत क्या है,
उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो क्यों एग्जिस्ट करता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान के बारे में हम समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा जजमेंट दूसरे के जजमेंट से अलग कैसे है, हमारा ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन से अलग कैसे है। लॉजिक के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आत्मा क्यों होती है, परमात्मा क्यों होती है, तो वो सब क्या हो गया, वो लॉजिक हो गया। और लॉजिक दो तरीके से हम समझ सकते हैं, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ISG, मतलब इंडक्टिव मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हम किसी एक सिद्धांत से चल के ये बोलें कि इन सब चीज़ों पे ये सिद्धांत लगना चाहिए, तो वो हो गई इंडक्टिव अप्रोच। दूसरी तरफ होता है डिडक्टिव अप्रोच, जो कि ये कहता है क्योंकि इन सब चीज़ों पे ये सिद्धांत लगता है, इस एक चीज़ पर भी यही सिद्धांत लगना चाहिए, तो वो हो गई डिडक्टिव अप्रोच। तो लॉजिक में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करते हैं। फिर आता है आपका एथिक्स, जो आपका मेन है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो एथिक्स हमको किसी भी चीज़ के बारे में सही या गलत की समझ देता है और हमारा बिहेवियर सही है या गलत है हमें वो मार्गदर्शन देता है। तो एथिक्स को अगर हम समझें तो एरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था कि अच्छे पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। हम ये नहीं कहते कि ये पेड़ कौन सा है, हम ये कहते हैं कि ये आम का पेड़ है, तो इसका मतलब उसके फल से वो पेड़ जाना जाता है। इसी तरीके से अच्छा मनुष्य, अच्छा आदमी अपने कैरेक्टर, अपने व्यवहार की वजह से जाना जाता है। तो ये चीज़ एरिस्टोटल ने बहुत पहले कही थी, जब एथिक्स को लिटरली हमने शब्दों में नहीं उतारा था। बाद में जब हमने एथिक्स को शब्दों में उतारने की कोशिश की तो हमने बोला कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है, और हम कहते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो ये मेरे पर्सनल एथिक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे फैमिली के या मेरे फ्रेंड्स के या मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं उठती बैठती हूँ वहाँ पर भी यही सेम एथिक्स या यही सेम प्रिंसिपल्स चलें। तो एथिक्स एक इंडिविजुअल बिहेवियर है जो हम समझते हैं। पीटर सिंगर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एथिक्स के बारे में, जिसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि आप फैक्ट्स के पीछे मत जाइए। एथिक्स कभी भी फैक्ट्स के पीछे नहीं जाता कि दुनिया में ये हो रहा है, ये सही है, ये गलत है, पर वो हर चीज़ के पीछे एक नॉर्मेटिव थ्योरी देता है। और वो नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है वो हम आगे एक एग्जाम्पल में समझेंगे, पर उसके पहले हम ये समझते हैं कि एथिक्स किन चीज़ों पर ध्यान देता है। सबसे पहले कि एक आपका व्यवस्थित व्यवहार होना चाहिए, एक कनेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, आप एक निश्चित तरीके से काम करना चाहिए, कोगेंट वे में काम करने चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स हमेशा ऊंचे रहने चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और कुछ रीजनेबल ऑब्लिगेशन होने चाहिए कि ये चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है इसलिए ही मुझे ऐसा करना है। तो वो जब रीजनेबल ऑब्लिगेशंस होंगे तो अपने आप आपका जो बिहेवियर है वो एथिकल होगा। अब हम जो समझ रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और जिससे हम नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये एक ट्रॉली प्रॉब्लम है जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये आदमी का काम है लीवर को मोड़ना, और अगर ये आदमी लीवर नहीं मोड़ता है तो ट्रेन सीधा जाएगी और ये 5 लोग मर सकते हैं। अगर ये आदमी इस लीवर को हिलाता है तो ये ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेगी और दूसरे रास्ते पे जाएगी जिसमें इस एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो अब 2 चॉइस हैं, या तो ये 5 आदमी मर सकते हैं या ये 1 आदमी मर सकता है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे 3 सिद्धांत लाए गए। पहला है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी में ये कहा गया कि हम जो है वो रूल बेस्ड या ऑब्लिगेशन बेस्ड थ्योरी पे काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं लीवर घुमाता हूँ तो उस एक व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, तो अगर मैं लीवर नहीं घुमाऊँगा तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए ट्रेन को सीधा जाने दो और उस एक व्यक्ति की जान आप बचा लो। तो ये तो हो गया डियोंटोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन और जुडाइक लॉज में बताया गया है। इसको रूल बेस्ड थ्योरी या ऑब्लिगेशन बेस्ड थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जिसको टीलियोलॉजी अप्रोच या एंड पर्पज़ या एंड गोल अप्रोच कहा जाता है। इसको आउटकम बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि आउटकम क्या है। इसमें आउटकम ये है कि मैं यहाँ पर 5 लोगों की जान बचा सकता हूँ तो मुझे लीवर को मोड़ना ही चाहिए। तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी। तीसरा होता है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स ये कहता है कि
कि आप दोनों में से कोई भी मार्ग अपना सकते हैं, पर शर्त ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो और जो सबके सबके ज़्यादा हित में हो आपको वो ही काम करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप या तो चॉइस ए ले सकते हो या चॉइस बी ले सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ योर एथिक्स। तो इसको हम कहते हैं वर्च्यू एथिक्स। अब अगर हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म पे वापस जाएं तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म प्लूटो, अरिस्टोटल और एपिक्यूरस ने दिया था और इसमें 5 तरह के इज्म उन्होंने बताए थे। एक था ईगोइज्म जो कि आपके खुद के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा था यूडेमोनिज्म, यूडेमोनिज्म आपकी खुशी पे डिपेंड करता है। यूटिलिटेरियनिज्म जो कि आपकी ज़रूरतों पे और सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो सके उस चीज़ को देखता है। हेडोनिज्म जो कि दूसरों की डिज़ायर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो, सबसे ज़्यादा लोगों की डिज़ायर सेटिस्फाई हो सके, ज़रूरतें पूरी हो सके उसको देखता है। और इंटेलेक्चुअलिज्म ये कहता है कि आपकी नॉलेज हमेशा एक शुद्ध रीजनिंग से आती है, बिना रीजनिंग के आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये 3 तरीकों से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो मुख्यतः अगर हम मोटा मोटा देखें तो अप्रोच 2 ही है, एक तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म और दूसरी नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जिसमें आपका डियोंटोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स दोनों आते हैं। नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म जनरली नेचुरल लॉ पे बिलीव करता है कि जो नेचुरली हो रहा है वो होने दो, आप बीच में सहभागी मत बनो। या दूसरी चीज़ जो वो कहता है वो है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप लीवर बदल के एक पर्सन की जान ले लो। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की मुख्य बातें कही गई हैं नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म में, जबकि कॉन्सिक्वेंशलिज्म में हमने ये 5 इज्म समझे हैं। अब इसी तरीके से जब हम एथिक्स के प्रकार के बारे में समझते हैं तो 4 प्रकार के एथिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव, अप्लाइड, मेटा एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने अभी समझा। नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में अगर हम और समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव एथिक्स एक्शन को प्रिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब नहीं करता है। मतलब वो ये नहीं गवर्न करता है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए या ऐसा किताबों में लिखा हुआ है ऐसा होना ही चाहिए। वो ये कहता है कि ऐसा हो तो अच्छा है, प्रिस्क्राइबिंग एक्शंस, मतलब कि ये अच्छा है कि आप चोरी ना करें, ये अच्छा है कि आप झूठ ना बोलें। तो ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मेटिव में। नॉर्मेटिव में एक ह्यूम की थ्योरी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इज और डाइकोटॉमी या इज और डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। इस और थ्योरी के अंडर में उसने कहा है कि क्योंकि हम सब मीट खाने वाले जानवरों से निकले हैं, हमें भी मीट खाना ही चाहिए। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिक गैप है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते क्योंकि हम मीट खाने वाले जानवरों से निकले हैं हमें भी मीट खाना ही चाहिए। तो वेजिटेरियन जो लोग हैं वो इसके, जो शाकाहारी लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में आ जाएंगे। फिर इसमें एक बहुत बड़ा गैप हो गया कि क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो अगर हम ये कहें कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो क्योंकि दुनिया में ऐसा है, ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट हो गया। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये कहेगा इसके लिए हमें सारी वेल्थ को इकट्ठा करके सब लोगों में बराबर बांट देना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देना चाहिए। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ प्लानर, प्रशासन में बैठ के मैं ऐसा नहीं कह सकती सिर्फ एक स्टेटमेंट के कारण कि क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है सब में बराबर वेल्थ बांट दो। उसको कहने के लिए मेरे पास दूसरे और कारण होने चाहिए। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक गैप रह जाता है जो नॉर्मेटिव थ्योरीज बात करती हैं। अगला है, ये तो हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स, अगला है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि आप अच्छे क्यों हो, आप मॉरल जजमेंट क्यों लेते हो, अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है और हमें क्यों नैतिकता रखनी चाहिए, हमें क्यों मॉरालिटी रखनी चाहिए। तो उन सब का जवाब आपको मेटा एथिक्स में मिलता है। मेटा एथिक्स वापस 2 तरीके से हो सकती है, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो चीज़ आप समझ के कर रहे हो, जो आप दिमाग से कर रहे हो, और नॉन कॉग्निटिव मतलब जो आप समझ के नहीं कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो। तो यहाँ पे इमोटिविज्म आ गया, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स आपके करनी पे भारी हो गए। जबकि कॉग्निटिविज्म में आप कहते हो मॉरल रियलिज्म हो सकता है या मॉरल सब्जेक्टिविज्म हो सकता है। जब हम कहते हैं मॉरल सब्जेक्टिविज्म तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि हमारे पर्सनल ओपिनियन है किसी चीज़ों के बारे में, हम उसके बेसिस पे कोई भी काम करेंगे। जब हम कहते हैं मॉरल रियलिज्म, तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ सही थी या ये चीज़ गलत थी, और हम उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, सही और गलत के दायरे में, श्वेत या काले, ब्लैक या वाइट के दायरे में रखने की कोशिश करते हैं, उसमें बीच में कुछ नहीं रखते। तो मॉरल रियलिज्म को हम नेचुरलिज्म, नॉन नेचुरलिज्म की तरह समझ सकते हैं, ये हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। मॉरल सब्जेक्टिविज्म के अंडर में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी और डिवाइन कमांड थ्योरी। इन दोनों को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अगला है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब जब आप नैतिकता के आचार संहिता के प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, तो जो भी आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो सब किसके अंडर चले गए, अप्लाइड एथिक्स के अंडर। और चौथा है आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसमें आप ये बताने की कोशिश करते हो कि जो सच है और जो गलत है उसको किस तरीके से क्वांटिफाई किया जा सके, किस तरीके से उसको नापा जा सके या उसको समझा जा सके। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब हम बात करते हैं एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। जैसा कि हमने शुरू में ही समझा, मोरालिटी कस्टम्स या आपके कस्टम्स के बारे में, रिवाजों के बारे में समझाता है, जबकि एथिक्स आपके व्यवहार या कैरेक्टर के बारे में समझाता है। मोरालिटी एक ग्रुप बिहेवियर है, एथिक्स एक इंडिविजुअल बिहेवियर है। मोरालिटी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल सकती है, पर एथिक्स क्योंकि इंडिविजुअल है वो एक जगह से दूसरी जगह बदलेगी नहीं। अगर आपके कुछ एथिकल प्रिंसिपल है जो यहाँ पर हैं, वो आप किसी और देश में चले जाएंगे तो भी वही रहेंगे। इसी तरीके से मोरालिटी आप बिजनेस में नहीं अप्लाई कर सकते, जबकि एथिक्स आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, और इसको आप बिजनेस एथिक्स के रूप में समझते हो। मोरालिटी में जो भी ग्रुप ने डिसाइड किया है, आप उसको या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, जबकि एथिक्स में आप अपनी नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से सोच सकते हो। यू आर फ्री टू थिंक, और आप अपने प्रिंसिपल्स और अपने कानून खुद बना सकते हो। तो वो हो गया आपका एथिक्स। इसी तरीके से मोरालिटी में आप सही या गलत के बीच में अंतर करते हो, जबकि एथिक्स में आप सही व्यवहार या गलत व्यवहार, राइट कंडक्ट और बैड कंडक्ट के बीच में अंतर करते हो, जो कि वापस एक इंडिविजुअल क्वालिटी हो गई। इसी तरीके से मोरालिटी यूजुअली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जबकि एथिक्स सोशल और मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यहाँ पर मोरालिटी में आप जनरल रूल्स और जनरल स्टेटमेंट्स की बात करते हो, जबकि एथिक्स में आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करते हो जो वास्तविकता में है या जनरल रूल्स फॉलो करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी नैतिकता और मौलिकता पे, जो हमने समझी है। हम आगे और भी क्लासेस करते रहेंगे GS पेपर 4 के लिए, आपके जनरल स्टडीज़ के लिए, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।